शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा रतन। इस चैनल पर आप किडनी रिलेटेड हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है IgA नेफ्रोपैथी की केटोजेनिक डाइट से जुड़ी जानकारी। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि IgA नेफ्रोपैथी होती क्या है। इस बीमारी को बर्जेस डिजीज भी कहते हैं। IgA एक प्रोटीन है जो कि बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। लेकिन जब ये प्रोटीन किडनी के छोटे फिल्टर यानी कि ग्लोमेरुली के अंदर फ्लेक्स बन जाते हैं तो किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है, जिसे हम IgA नेफ्रोपैथी सिंड्रोम कहते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि हाथों पैरों में स्वेलिंग आना, ब्लडी यूरिन, हाई BP। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें, यूरिन टेस्ट करवाएं, क्योंकि इसको यूरिन टेस्ट से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको IgA नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको एक बेहतर डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर केटोजेनिक डाइट की सलाह देते हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तब भी केटोजेनिक डाइट एक अच्छा सोल्यूशन है। ये लो कार्ब और हेल्थी फूड है जो IgA नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट बीमारी में सहायक माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है और फैट में ये हाई होता है। अगर IgA नेफ्रोपैथी डाइट की बात करें तो प्रोटीन की क्वांटिटी कम होना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे केटोजेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो IgA नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं। पहला है कि आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक एग्स अच्छे माने जाते हैं। दूसरा है पोल्ट्री, पोल्ट्री में आप चिकन खा सकते हैं। तीसरा है फैटी फिश, इसमें आप हेरिंग और मैकरल फिश का सेवन कर सकते हैं। फोर्थ है फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। फुल फैट डेयरी में IgA नेफ्रोपैथी पेशेंट्स दही, मक्खन और फ्रेश क्रीम खा सकते हैं। फिफ्थ है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में मकाडेमिया नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, पीनट्स और फ्लैक्स सीड्स आप खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपकी डाइट में ब्रोकली, टमाटोज, मशरूम्स और बेल पेपर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लास्टली बात करेंगे कंडीमेंट्स की। कॉन्डिमेंट्स में आप सॉल्ट, विनेगर, लेमन जूस, फ्रेश हर्ब्स अपनी डाइट में बेफिक्र इंक्लूड करें। और इसके साथ ही IgA नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स को अपनी डाइट में कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। आप सॉल्टी ड्रिंक्स ना लें, इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आमतौर पर पानी का इंटेक 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक का इंटेक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का इंटेक ज़्यादा होगा तो इससे आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा है हाई पोटेशियम फूड्स अवॉइड करें, जैसे सीवीड, सोया सॉस, पोटैटोज, ये सब आप अवॉइड करें। थर्ड है प्रोटीन की क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्योंकि इससे किडनी पर प्रेशर पड़ सकता है जो कि किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थी IgA नेफ्रोपैथी डाइट से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में जानकारी लेना चाहता हो तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।